नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा शहर में गली मोहल्लों में खुली शराब की दुकानें कॉलोनी के बाशिंदों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी हैं। इतना ही नहीं, इन दुकानों से लोगों में आक्रोश भी पनप रहा है। ऐसा ही एक मामला रविवार को कृषि उपज मंडी क्षेत्र से सामने आया। यहां चर्च के नज़दीक और स्कूल के सामने खुली शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर बस स्टैंड अजमेर तिराहे मार्ग पर लोगों ने जाम लगा दिया। कोतवाल ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर समझाइश कर जाम को खुलवाया। प्रदर्शन कर लगाए सड़क जाम से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चर्च फादर परमजीत माइकल ने बताया कि कृषि मंडी के सामने 5 से 7 दिन पहले शराब की एक नई दुकान खुल गई। इसे लेकर क्रिश्चियन समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। इनका कहना है कि यह शराब की दुकान चर्च से मात्र 50 मीटर ही दूर है। इसके अलावा आम जन भी इस दुकान को लेकर गुस्से में है। उनका आरोप है कि इस दुकान के सामने ही महेश स्कूल है। ऐसे में स्कूल से आने जाने वाले छात्र छात्राओं पर इसका बुरा असर पड़ता है। इस बात को लेकर रविवार को क्रिश्चियन समाज के साथ ही आमजन ने कृषि उपज मंडी के पास बस स्टैंड अजमेर तिराहा मार्ग पर बांस बांध कर जाम लगा दिया। प्रदर्शन करने वालों में महिलाओं के साथ ही पुरुष भी शामिल थे। इन लोगों ने शराब की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर शराब दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पर कोतवाल दादीच में जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित लोगों की बात सुनी और इन लोगों ने शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग रखी। इस पर दादीच ने लोगों से समझाइश करते हुए कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। इस मांग को लेकर कलेक्टर और आबकारी अधिकारी से बातचीत कर दुकान को हटवाया जाएगा। इसके बाद लोगों ने जाम खोला। अजमेर तिराहे से बस स्टैंड आने जाने वाले मार्ग पर जाम के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की माने तो कलेक्टर और आबकारी अधिकारी के साथ इन नागरिकों की दोपहर 1 बजे मीटिंग रखी गई है। कृष्ण समाज के अध्यक्ष गुडविंद मसीह ने कहा कि 3 दिन पहले कलेक्ट्रेट में जिलाधीश की अध्यक्षता में आयोजित शांति समिति की बैठक में भी इस शराब की दुकान को बंद कराने की मांग उठी थी। इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया था। जिलाधीश से कार्रवाई का आश्वासन भी मिला था। इसके बाद कई लोग आबकारी अधिकारी से भी मिले, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के पुराना भिलवाड़ा के रायजी मोड़ा के गली स्थित श्री नरसिंह मंदिर में शनिवार को हर्षोल्लास के साथ नरसिंह जयंती मनाई गई। नरसिंह जयंती महोत्सव कार्यक्रम संयोजक मोनू तोशनीवाल ने बताया कि श्री नरसिंह जयंती महोत्सव लगभग 200 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस दिन प्रातः सुबह भगवान नरसिंह जी का दुग्धाभिषेक और हवन किया गया। पूरे मंदिर को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। शाम को संध्या समय महाआरती की गई, उसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस दिन जैसे ही सांझ ढलते ही कोठी में अगरबत्ती लगाते समय भगवान नरसिंह शक्ति का आभास होने लगता है। नरसिंह अवतार का रूप कैलाश सुल्तानिया लगभग 50 सालों से निभाते आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना में निधन होने के कारण पहली बार नरेश पांड्या ने नरसिंह अवतार का किरदार निभाया है तथा भक्त प्रहलाद का किरदार हरि ने निभाया। क्षेत्र निवासी लाला सोनी, जो कि इस दिन सुबह से अपना हिरण्यकश्यप रूप धारण करके गली मोहल्ले में अपना तांडव करते हैं, किसी से कुछ भी छीन ले जाता है, सांझ ढलते ही मंदिर प्रांगण में हजारों श्रद्धालुओं के बीच यह स्वांग होता है। संयोजक मोनू तोशनीवाल ने बताया कि कागज की कोठी के फटते ही श्रद्धालु लूट लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस टुकड़े को अपने घरों तिजोरी में रखने से लक्ष्मी का वास रहता है और गेहूं में रखने से यह कभी खराब नहीं होता। यह कोठी की विशेषता है। साथ ही कोठी के फटने के साथ भगवान नरसिंह का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाता है। Yeah.
चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख समय प्रातः 7 बजे स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल सुभाषकर। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and one hall 20,000 square feet garden well parking facility nearby city a complete solution of marriage complete event room facility economic charges Family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियाँ। डामर जागृति मंच भिलवाड़ा के तत्वावधान में परिंडा वितरण कार्यक्रम का आयोजन रविवार को सुबह 8 बजे प्राइवेट बस स्टैंड के पास स्थित नेहरू उद्यान में प्रसिद्ध पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू के मुख्य आतिथ्य में और मंच के उपाध्यक्ष केदार बंग की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सचिव रूपचंद्र पहाड़िया ने बताया कि कार्यक्रम में 110 परिंडे कबूतरों के लिए ज्वार सहित वितरित किए गए। बाबूलाल जाजू ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इस भीषण गर्मी में मंच द्वारा किए गए इस पुनित प्रयास की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। साथ ही यह भी बताया कि यदि पूरे वर्ष ही हम परिंदों के लिए दाने पानी की व्यवस्था अपने घर की छत दीवार इत्यादि पर करेंगे तो हमारा घर हमेशा इन चिड़ियाओं के कलरव से महकता रहेगा जो कि हमारे परिवार को खूब सुकून देगा। इस अवसर पर जाजू ने अपनी ओर से गोरैया के घोंसले भी वितरित किए। कार्यक्रम में मंच के कृष्ण गोपाल बंग अनिल बंग जवाहरलाल पुलंग ने 20 से 26 मई तक द्वितीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता बेलारी कर्नाटक में राजस्थान टीम में अपने वजन वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगी। रितिका सिंह भिलवाड़ा जिले की प्रथम बालिका बॉक्सर है जो राष्ट्रीय सब जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम में अपने वजन वर्ग 50 से 52 किलोग्राम का प्रतिनिधित्व करेंगी। रितिका को भिलवाड़ा बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव निर्मल कटारिया, कोच राजेश कोहली और विजय पारिक और क्षितिज कोहली, हिमांशु टांग, सागर कोहली, राजेश कुमावत, शीतल अंछेरिया, गरिमा कंवर ने अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाओं के साथ स्थानीय भिलवाड़ा स्टेशन से विदा किया। रितिका कंवर 20 से 26 मई तक कर्नाटक बेलारी में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो कुछ कुछ पावत है, जो भागत है वह बहुत कुछ पावत है, अर्थात कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम हमें अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा हार्ट और शरीर स्वस्थ रहेगा। ये विचार रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर के वरिष्ठ हृदय शल्य चिकित्सक अक्षय शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान द्वारा आयोजित मई माह की बैठक और स्वास्थ्य वार्ता में व्यक्त किए। उन्होंने हृदय रोग से संबंधित लक्षण, कारण, टाइप और उपाय,
और सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की। जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश के महामंत्री मदन खटोड़ ने सभी का स्वागत किया, आगामी कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला। आज जन्मदिन वाले एवं नए बने सदस्यों का अभिनंदन किया गया। महासचिव कृष्ण गोपाल सोमाणी ने संचालन करते हुए नवीन कार्यकारिणी द्वारा अब तक संपन्न किए गए लगभग 35 कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की एवं नए बने 80 सदस्यों का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने किया। इस अवसर पर सलाहकार मंडल सदस्य TC चौधरी, BL माहेश्वरी, RP रुंगटा, सुमित्रा कांटिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसंतीलाल मुंदड़ा, गोविंद प्रसाद लड्ढा, कैलाश सोमानी, रामपाल शर्मा, मूलचंद बापना, हरीश तापड़िया, भवानी शंकर शर्मा, वीणा खटोर, मंजू खटवड़, शकुंतला बापना, सरिता पाटनी, मंजुलता भट्ट आदि कई लोग उपस्थित थे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।